हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वचन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको काम आने वाला है। तो वचन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चल जाए कि एक है या एक से ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं वचन। ठीक है जी। तो वचन जो है हिंदी व्याकरण का एक तरीके से आधार है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या उसके एक या अधिक होने का पता लगे, उसे हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। जैसे लड़का भाग रहा है या लड़के भाग रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता लग गया कि एक वचन है या बहुवचन है, यानी एक है या बहुत है। तो इसी से आप क्या समझ गए? तो वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में भी, तो एक वचन से आप क्या समझ रहे हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का, तो आप यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूं मैं, एक है कोई भी चीज, उसे क्या बोलेंगे? एक वचन। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, ये क्या है? सब के सब एक है। ठीक है। कपड़ा, यहाँ हम देख सकते हैं एक आदमी, एक औरत, तो एक की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक वचन। और अगर बहुवचन है तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, कोई भी चीज है, वो बहुत सारी है, एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा दो भी होगी तो भी हम क्या कंसिडर करेंगे? तब भी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? बहुवचन, यानी हम उसको बहुवचन ही मानेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे आप बहुवचन और एकवचन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आदर जहां पर भी है, भीष्म पिताजी तो ब्रह्मचारी थे, तो ये क्या है? ये आपका बहुवचन है। गुरु जी आज नहीं आए, तो गुरु जी आज नहीं आए, तो गुरु जी आपका बहुवचन में है क्योंकि आपने क्या कर दिया? आदर दे दिया। शिवाजी सच्चे वीर थे, तो अब आप कहेंगे शिवाजी तो सिंगुलर है। ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का यूज हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, शिवा वीर आदमी है या ऐसा कुछ हो, तो आप था होगा, थे नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये बहुवचन है। बड़प्पन अगर हम दर्शा रहे हैं तो वहां पर भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन होगा। मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं, आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दिए। केश, रोम, आंसू, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, इन सब में भी प्रयोग किसका हो रहा है? बहुवचन का हो रहा है। तुम्हारे केश बहुत सुंदर है, केश ज्यादा है, तो केश यानी बाल, बाल बहुत सुंदर है, तो इसलिए भी हमने क्या यूज किया? बहुवचन। ये देखिए, रोम, अश्रु, आंसू, आपके प्राण, तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि जो प्राण है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। दर्शन, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चल, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बहुवचन के स्थान पर अब एक वचन का भी प्रयोग होगा। तू एक वचन है जिसका बहुवचन तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। तो जो तुम होगा वो क्या होगा? एक वचन। बेसिकली बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग है। क्या तुमने खाना खा लिया? तो तुम भी क्या है? आपका बहुवचन के स्थान पर एक वचन है, तो ये इसको हम एक वचन बोलेंगे। वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति, इनको भी हम क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, तो किसी जाति की बात करिए तो भी इसे एक वचन ही रखेंगे। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वाचक में भी किया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी जाति की बात आ रही है। जैसे पूरा सोना, सोना क्या है? कैटेगरी है, ग्रुप है, तो इसीलिए उसको हमने क्या कहा? बहुवचन की जगह एक वचन बोला। मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, तो ये भी क्या है? मुंबई का आम, आपने स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करी है, पर मुंबई के जो आम है, आम क्या है? कॉमन है, जातिवाचक है, तो इसके लिए भी एक वचन होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये नियम, तो ध्यान रखिएगा, आदर के लिए हमेशा बहुवचन ही होगा। एक वचन व्यक्ति, वाचक संख्या,
को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाएगा। गुरु जी आज नहीं आए, शिवाजी सचे भी थे, ये आपको बता दिया। बड़ापन दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बहुवचन को ही बोलेंगे। द्रव्यवाचक, जब भी किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं, दूध, पानी, तेल, ठीक है, उसमें हमेशा एक वचन ही बोला जाएगा। आंसू, लोक, समाचार, केश, भाग्य, इनको बहुवचन बोलेंगे। संबंध दर्शा रहे हैं अगर एक वचन और बहुवचन, तो आप बोल सकते हैं कि संबंध दर्शाने वाले संज्ञान एक वचन, और अगर बहुवचन एक समान रहते हैं, जैसे नाना नानी, चाचा चाची, तो ये एक समान रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, संबंध दर्शा रहे हैं। मतलब नाना है तो एक क्या रहेगा, नाना और नाना को आप नाना ही, नानिया तो नहीं बोलते ना, तो नाना नाना ही रहेगा, नानी नानी ही रहेगी, चाचियां नहीं बोलते, ठीक है। तो आप ये समझिएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वचन के क्या इंपॉर्टेंट नियम है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।